नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा बड़ा ही गंभीर है और सर्वविदित है। देश के पूरे छात्र जानते हैं, अभिभावक जानते हैं और इस मुद्दे से जुड़े हुए प्रशासनिक लोग और ये सरकार तक जानती है, यूजीसी इंडिया जानती है, सीयूईटी जानता है, एनटीए खुद जानता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि अगर इस पर हम चुप्पी साध लेंगे तो ये समस्या का समाधान अपने आप निकल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समस्या का समाधान चुप्पी साधने में नहीं है, समस्या का समाधान पे विचार विमर्श होना चाहिए, उस पे कमेंटमेंट होना चाहिए, उस पे लोगों पे बातचीत करनी पड़ेगी और उस पे कुल मिलाकर एक ट्रांसपेरेंसी के साथ एक पॉलिसी आनी चाहिए, तब जाके समस्या का समाधान निकलेगा। तो दोस्तों, ये मुद्दा सीयूईटी फेस टू पेपर से संबंधित है, ये समस्या यूजीसी नेट के एग्जाम संबंधित है और ये समस्या जेईई मेन की रिजल्ट से संबंधित है। इस दर्द को लोगों ने बहुत पहले से सहा है। मैं इसको चार शब्दों में कहना चाहूंगा, चार शब्दों में, चार पंक्तियों में कहना चाहूंगा, वो ये है, हमें तो एनटीए ने लूटा, सीयूईटी में कहां दम था। हमें तो एनटीए ने लूटा, सीयूईटी में कहां दम था। हमारी कश्ती थी डूबी वहां जहां क्वेश्चन पेपर ही कम था। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीयूईटी फेस टू का पेपर जब शुरू हुआ, इन्होंने 4 तारीख को बुलाकर सेंटर में बच्चों को पेपर ही नहीं दिया। बहुत सारे एग्जाम सेंटर बच्चों को स्क्रीन पर बैठाने के बाद 6-6 घंटे, 4-4 घंटे बच्चे एग्जाम हॉल में बैठे रहे और क्वेश्चन पेपर वहां आया ही नहीं ऑनलाइन मोड में। ये समस्या हम लोग आने वाले कमिंग डेज में भी देखे, यानी 8 तारीख को 7 तारीख को, और इस तरीके से समस्या बढ़ती गई और ये समस्या इस रूप में आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम से वंचित हैं। इन्होंने एक ईमेल आईडी जनरेट करा, बोला कि भाई वहां पे जाके सोल्यूशन का समाधान ढूंढ लो। मतलब कहने का यह है कि फुटपाथ पे यहां पे मेले लगे हुए हैं, आपको जो समझ में आए वो खरीद लो, जो चूक गया उसका मिस हो गया, जिसकी जिंदगी बर्बाद होनी है बर्बाद हो जाए, इससे किसी का लेना देना नहीं है। इस देश के शिक्षा व्यवस्था को तो बिल्कुल लेना देना नहीं है। सरकार को अच्छे से पता है क्योंकि सीयूईटी ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा था। लेकिन मजाल है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसके अगेंस्ट कोई भी पोस्ट डाला हो, मजाल है कि इस पे पीएमओ ऑफिशियल से कोई ट्वीट आया हो, या एनटीए के खुद ऑफिशियल वेबसाइट से या ट्विटर पे कोई भी ट्वीट आई हो, या यूजीसी इंडिया एमजे कुमार जी ने इस पे कुछ ट्वीट करा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि इन लोग को अपनी कमी बताने में, अपनी लापरवाही बताने में बेइज्जती समझ में आती है। हम इस पे साथ नहीं बैठेंगे दोस्तों। यदि मैं आपके साथ हूं, आप हमारे साथ हैं, तो हम लोग इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि ये आज से नहीं हो रहा है। सबको क्या लगता है, लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद हमारा जो देश है वो शिक्षा में एकदम बर्बाद, क्योंकि कुछ भी देश में जब हो रहा है, खासकर जब शिक्षा पे बातें, तो वो तो कोई कर ही नहीं रहा है। लेकिन जब इसमें कोई कमी पकड़ी जा रही है तो इसके सोल्यूशन को कैसे निकाला जा रहा है, पता है? इसके सोल्यूशन को निकाला जा रहा है, कोविड-19 में बहुत सारा कुछ खो गया है तो शिक्षा भी खो गया है। ऐसा नहीं है, हमारे देश के 16 लाख बच्चे सीयूईटी में बैठे हैं, जिसमें लगभग 6.5 लाख बच्चे जो हैं इससे डायरेक्टली परेशान है, अभिभावक परेशान है। उसी तरीके से आपको मैं बता दूं, लेटेस्ट अपडेट है, जेईई मेन के रिजल्ट के बाद उस पर कई सारे केस भी फाइल किए जा चुके हैं और लेकिन इस पर चुप्पी है। बात यह है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन दोस्तों ये है, सबसे पहले सोशल मीडिया पे एकदम शांति नहीं होनी चाहिए। बेशक ट्विटर हैंडल पे हम लोग इसकी कंपेनिंग करेंगे, एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाना, और आज अगर आप चुप बैठे ना तो फिर आपके लिए कोई आवाज उठने नहीं आएगा, कोई बड़ा यूट्यूबर भी नहीं आएगा, कोई छोटा यूट्यूबर भी नहीं आएगा। जब आप खुद का अपना भला नहीं कर सकते हो तो आपके भले के लिए दूसरा नहीं आएगा, किसी को मिर्चा नहीं लगा यहां पे जो आपके भले के लिए आएगा। यदि आप अपने भले के लिए आगे आओगे तो हम और हमारे जैसे बहुत सारे लोग भी आपके पीछे जरूर आएंगे। तो आप ज्यादा में किंग आप हो, राजा आप हो, महाराजा आप हो, हम तो बस आपके पीछे सपोर्ट में खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, लड़ाई आपकी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए जो लोग हैं, जो गार्जियन हैं, जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि ऑनलाइन ट्विटर कंपेनिंग में साथ दें और एनडीए के खिलाफ, एनडीए के अगेंस्ट जितने भी आपके रीट्वीट जा रहे हैं, ट्वीट जा रहे हैं, आप करते रहो। नहीं, ये चीज रियलाइज होना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, ये लोग अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तभी तो ये लोग अपने ट्विटर और ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं मेंशन नहीं किए कि हाँ फेस टू के पेपर में प्रॉब्लम्स आई है। इन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में लिखा, दिस इज अ टेक्निकल इशू। भाई जब ये टेक्निकल इशू है तो आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एग्जाम कराने की जिम्मेवारी खुद पे क्यों ले लिया। देश में बाकी भी एग्जाम कमेटीज हैं, लेकिन ये पूरे पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉकेट में जानी है। दिस इज द रीजन कि ये लोग पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो बस एनटीए को दे रहे हैं। आप जाके एनटीए को गूगल कर लेना, एनटीए की कितनी शेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, आपको खुद पता चल जाएगा। इन्होंने बहुत बड़ी रकम जो है एनटीए के थ्रू अपने जेब में डाली है।
हाँ, लेकिन ये एक गंभीर मुद्दा है, इस पे एक और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन अभी हम लोग उस मुकाम तक नहीं जा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि हम लोग को बस हमारा सलूशन मिले, हमें शिक्षा व्यवस्था में एक सुधार देखने को मिले। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, बहुत सारे, क्योंकि अभी यह मामला और बिगड़ने वाला है, और वो बिगड़ने वाला है पता है कहां? आंसर की आने वाला है एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने वाला है एग्जाम के बाद, काउंसलिंग होगी एग्जाम के बाद, वहां रोगे ना कोई सुनने वाला नहीं है। मैं हूं, मैंने बीएचयू सेंट्रल ऑफिस में यूं आपके इतने मोटे गलत आंसर की पूरी स्लिप सबमिट करा था, मैंने अपने हाथों एप्लीकेशन लिख के सबमिट करा था। ये बात आज वो एक्सेप्ट करे ना एक्सेप्ट करे, मेरे एप्लीकेशन को कूड़े में डाल दिया गया, क्या किया गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपना कर्म करा था। हाँ, वो बात अलग है कि मैं अकेले था तो मेरी सुनवाई नहीं हुई होगी, लेकिन अगर आप मेरे पीछे खड़े रहोगे तो सुनवाई होगी, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा पैसा वो सुनने वाले हैं आंसर की गलत देके, एक एक क्वेश्चन के करेक्शन में पैसे आपसे लेंगे। और नहीं लिए बताना मेरे से, मैंने तो पहले कमिटमेंट किया था कि पेपर अच्छे से नहीं करा पाएंगे। इन्होंने 2021 के एग्जाम में सुबह 7 बजे अचानक से एग्जाम एडमिट कार्ड बदल दिया था एग्रीकल्चर के पेपर में, तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी कि सीयूटी फेज टू में इन्होंने एक नया बदलाव नहीं देख, कौन सा बड़ा उन्होंने नया बदलाव कर दिया, फिर से वही काम किया, उससे बड़ा काम कर दिया। इस बार तो एग्जाम हॉल में बैठा के क्वेश्चन पेपर ही नहीं दिया, जाओ जो करना है कर लो, आखिर क्यों कोई नहीं बोल रहा है? सोचने वाली बात है भाई, इतना बड़ा एग्जाम है, बच्चे का भविष्य की बात है, कोई सुनने वाला है? अगर इसमें एक बच्चा का भविष्य बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो रहा है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम से वंचित है, नहीं जा पा रहे, इनका अटेंडेंस ये बोले ये अपनी देखो। अब इसका सलूशन क्या है? सलूशन ये, सबसे पहले एक अमेंडमेंट करें अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, ट्विटर पे, अपने ऑफिशियल पोस्ट जो भी इनके सोशल मीडियाज हैं वहां पे एक अमेंडमेंट करें कि हाँ आंसर की अच्छा होगा, कट ऑफ सही से निकालेंगे, काउंसलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस चीज की जिम्मेवारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री, यूजीसी इंडिया को लेना पड़ेगा, और एनटीए को भी साथ साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए को ऐसे खुले मैदान में अकेला छोड़ दोगे और राजा बन जाएगा। यही हो रहा है यहां पे, चेकआउट करने के लिए कोई कमेटी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एकदम शांत है, एजुकेशन मिनिस्ट्री को लेना देना नहीं है, यूजीसी इंडिया को कोई मतलब ही नहीं है, अलग अलग न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फिर उस पर बहुत सारे ये प्रोग्राम करा रहे, ये प्रोग्राम करा रहे, जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें जो गलतियां हो रही है उस पर कुछ बोलना नहीं है। So, आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट करें, जिससे कि लोग पता चले किस प्रकार की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। और हाँ, एनटीए के अगेंस्ट आप लोग हमेशा ट्विटर पे बने रहना, मैं ट्वीट करके अपना लिंक डाल दिया हूं, उसको रिट्वीट मारो जाके, और हैशटैग गो एनटीए, जी ओ स्मॉल होगा, एनटीए कैपिटल होगा, कोई स्पेस नहीं, हैशटैग जी ओ एन और टी ए जो है ये कैपिटल होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वाला ट्रेंड कराना है, क्योंकि अलग अलग कोचिंग अपने नाम से चलाएगा तो यहां यूनिटी नहीं होगी, और ये कोचिंग वाले भी यही है, यूनिटी नहीं करेंगे, ये अपना लेके चल देंगे, ये अपना लेके, तब हो चुका, सब साथ आओ, कोई एक हैशटैग रन कराओ, और हाँ हर कोई इस पर वीडियो बनाए, बिजनेस भी कर लेना बाद में कर लेना, पहले बच्चों के भविष्य की बात है, इस पर भी बात कर लीजिए। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, हर के स्टेज पे स्टेटस पे होना चाहिए, और मैं एक अच्छा सा पोज दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके, ये कोट जो है, दिस इज माय पोज एक्चुअली, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पुट ऑन योर स्टेटस, योर सोशल मीडिया, ये पूरा वायरल होना चाहिए कि एनटीए ने हमें लूटा है, सीयूटी में दम नहीं था। तो मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, बीएचयू पाठशाला का हर वीडियो देखिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जैसे मास ग्रुप होना चाहिए, तभी मैं आपका साथ आने वाले आंसर की और रिजल्ट में दे पाऊंगा, और आपको बता पाऊंगा कहाँ कहाँ गड़बड़ियां। तो हर हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, बाय बाय।